चले मेरे को भी लगा देते हैं तो दादा मोटर लोग तो गाइस आज हम जैसे खास जगह पे जाने वाले जहाँ पे बहुत रेयर ही लोग जाते हैं तो चलो देखते हैं कैसे हो जगह। तो गाइस आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। तो अब हम यहाँ से जाएंगे न्यू पनवेल, फिर वहाँ से गाड़ेश्वर डैम की तरफ जाएंगे। अगर आप भी जाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लोकेशन दे दूँगा, आप देख लेना। और ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस अब हम न्यू पनवेल पहुँच चुके हैं। यहाँ से आपको स्ट्रेट रोड जाना है जो पनवेल माथेरान रोड है। एक्चुअली अभी इतनी बारिश नहीं हुई है, जब ज़्यादा बारिश होती है तब और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो गाइस अगर आप ये देख रहे हो तो ये पनवेल माथेरान रोड स्टार्ट हो चुका है, इसको आपको एंड तक पकड़े रखना है, कहीं भी राइट लेफ्ट नहीं लेना है। अगर आपको कोई इशू आता है तो यहाँ पे नियर बाय बालाजी सिम्फनी टावर है, वहाँ तक भी अगर आप मैप थ्रू आ जाते हो तो वहाँ से आपको कोई भी बता देगा गाड़ेश्वर डैम के लिए कैसे जाना है। आज का मौसम एकदम शांत है, मतलब पता नहीं मोबाइल में किस तरह से वीडियो बनने वाली है। ये देखो कितने मज़े से ट्रक में खड़े हैं पीछे, वाह। और गाइस लेफ्ट साइड में ये जो पहाड़ है ये आदई का पहाड़ है। एक्चुअली यहाँ पे भी एक वाटरफॉल है, आदई वाटरफॉल, अगर आप मैप पे देखोगे तो आपको मालूम हो जाएगा, वो भी बहुत बड़ा वाटरफॉल है एक्चुअली। तो गैरेज वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं। एक्चुअली मेरी भी स्कूटी का सर्विसिंग करवाना है, लेकिन जहाँ से मैं करवाता हूँ वो फ़िलहाल अभी भी बंद है, तो अभी देखते हैं कब तक चालू होता है। अभी तो स्कूटी के बहुत सारे काम करना बाकी है। ट्रक वाला खुद भी आगे नहीं जा रहा, मुझे भी नहीं जाने दे रहा है। एक्चुअली गाइस ये जो रोड है ना वो पहले बहुत खराब था, बहुत खराब था। अभी लास्ट ईयर ही इसका पूरा रोड का काम हुआ है। पहले जब जाना पड़े तो इतने सारे गड्ढे थे, मतलब आप जाते ही नहीं थे, पूरा मिट्टी का रोड था। अभी तो चलो अच्छा है कि सीमेंट कंक्रीट का रोड कर दिया है, लेकिन ये जो स्पीड ब्रेकर्स जो 50 बार बीच में आते हैं ना भाई, बहुत बेकार। एक तो जो स्पीड ब्रेकर बनाते वो भी बराबर लेवल से नहीं बनाते। और अगर आप दूर से आ रहे हो तो यहाँ पे आपको होटलों की कोई कमी नहीं है। जहाँ से मैंने बोला कि पनवेल माथेरान का रूट शुरू हो रहा है वहीं से लगभग यहाँ तक ऑलमोस्ट 5-6 होटल तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, जहाँ पर आप रुक के खाना वीना खा के आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको स्टे करना है तो पनवेल में भी आपको ओयो के बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप स्टे कर सकते हो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूना से आना चाहेंगे या कोई मुंबई से ही जाना चाहता है तो उनके लिए कोई दिक्कत ना हो। तो गाइस अगर आप यहाँ पे आ जाते हो तो आपको यहाँ से भी स्ट्रेट ही जाना है, अगर आप गलती से लेफ्ट ले लोगे तो आप कहीं और पहुँच जाओगे। तो आपको ये नदी क्रॉस करके ही जाना है, तो याद रखना कि आपको नदी आएगी जो जिसे क्रॉस करके आपको आगे जाना है, या फिर किसी को पूछ लेना कि कोपरोली गांव कहाँ पे, क्योंकि वहीं से रोड जाता है। तो गाइस अभी कुछ ऐसा सीन हुआ कि मैं मोबाइल पे वीडियो शूट कर रहा था और अचानक से वो बंद हो गया। तो एक्चुअली जब मैंने चेक किया तो ऐसा मालूम पड़ा कि अगर मोबाइल में आपको 4K पे वीडियोस बनानी है तो उसका लिमिट सिर्फ 5 मिनट तक का ही है, उससे ज़्यादा मिनट का आप वीडियो नहीं बना सकते हो। इसका मतलब आपको हर 5 मिनट बाद चेक करना पड़ेगा। 1080 पिक्सल में जैसे कंटिन्यूस वीडियो बना सकते हैं वही सेम सेटिंग 4K में भी कंपनी को देना चाहिए। एक्चुअली गाइस मुझे गोप्रो लेना है, लेकिन अब भी 2-4 दिन पहले ही लॉकडाउन हट चुका है, वो भी पूरी तरह से नहीं हट चुका है। तो अभी मैं गोप्रो के लिए देख रहा था, लेकिन
मैं 7 ब्लैक और 8 ब्लैक के लिए थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैं एक्चुअली कौन सा गोप्रो लूँ। जैसे कि 8 ब्लैक है वो तो लेटेस्ट गोप्रो है, तो मैं वही वही लेने वाला था, लेकिन प्रॉब्लम कुछ ऐसा आ रहा है कि अगर मुझे हेलमेट के लिए सेटअप करना है तो मैं किस तरह से करूँ, क्योंकि उसमें दो ऑप्शन ऐसे है, ऐसा सेटिंग है कि आप अलग से माइक अडेप्टर लो और एक एक्सटर्नल माइक लो और फिर उसको कनेक्ट करके यूज़ करो, या फिर गोप्रो का अपना मीडिया मॉड भी आता है जिसे आप मोटो व्लॉगिंग के लिए डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली मीडिया मोड जो है वो बहुत ईजी टू यूज़ है, जस्ट मीडिया मोड का जो केस आता है उसमें आपको गोप्रो फिट करना है, अगर अगर आप चाहो तो एक्सटर्नल माइक लगा के यूज़ कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप बारिश में बाहर वीडियो शूट के लिए निकल रहे हो, मोटो व्लॉगिंग के लिए निकल रहे हो, तो आप क्या करोगे। जैसे कि मैंने मुंबई कर निखिल का भी एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पास मीडिया मॉड है, लेकिन उन्हें पूरा यूट्यूब छाटा, लेकिन उनको एक भी ऐसी वीडियो नहीं मिली जिसमें हम मीडिया मॉड को कुछ डाई करके वाटरप्रूफ बना सकते। तो उन्होंने एक चीज़ बहुत आसानी से कर दी कि हॉट ग्लू गन जो होती है उससे पूरा माइक कवर अप कर दिया और एक्सटर्नल माइक से वीडियो बना दी। तो एक्चुअली सीन कुछ ऐसा है कि मीडिया मॉड का कॉस्टिंग भी ऑलमोस्ट 6,500 से 7,500 के आसपास आता है, और अगर आपका बजट एक और मीडिया मॉड लेने का है तो आपके पास एक्स्ट्रा अगर मीडिया मॉड है तो आप उसके साथ वो चीज़ कर सकते हो, या तो अनादर फिर मुझे अभी एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो है माइक अडेप्टर लो, फिर अलग से केस लो गोप्रो माइक अडेप्टर को अच्छे से सेटल करने के लिए, और फिर एक एक्सटर्नल माइक भी लो, फिर उसको अच्छे से सेटअप कर हेलमेट से को सेटअप करके फिर यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं, अभी तो मैं गोप्रो 8 के लिए थोड़ा वेट कर रहा हूँ, लेकिन गोप्रो से जो वीडियो क्वालिटीज़ है, वीडियो ऑडियो जो बनती है वो बहुत अलग लेवल से होते हैं। जैसे कि अभी मैं मोबाइल पे वीडियोस बना रहा हूँ तो मेरे पास कोई एक्सटर्नल माइक नहीं है, मैं तो अपने नॉर्मल बेसिक हेडफोन के थ्रू वीडियोस बना रहा हूँ, तो हो सकता है इसमें विंड ब्लास्टिंग वगैरह का प्रॉब्लम होगा, तो मैं ट्राई करूँगा विंड ब्लास्ट जितना कम करके या मैं वीडियोस अपलोड कर दूँगा।
तो गाइस आप लीजिए नज़ारे का मज़ा, तब तक करते हैं हम थोड़ा सा फोटोशूट और फिर मिलते हैं। गाइस हमारा फोटोशूट करके अभी हो चुका है, तो अभी थोड़ी देर पहले एक दोस्त का कॉल आया था, तो उसने बताया कि भाई पुलिस वाले यहाँ पे बहुत राउंड मारते हैं, तो कोई इशू ना हो इसके लिए अभी हम मिलते हैं डायरेक्ट बिल्डिंग के नीचे। बाय। तो गाइस कैसी लगी वीडियो, ज़रूर पसंद आई होगी आप सबको, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, और इस राइड की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो जाके वो भी चेक कर लेना। और गाइस जो हालांकि मुंबई के हैं उनको तो मैं बोलूँगा कि भाई एक बार ज़रूर विज़िट कर देना, और ऐसे दिन पर विज़िट करना ना कि जिस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई हो, क्योंकि उस टाइम पर वहाँ पर सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। एक बार विज़िट कर लोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, मतलब हर बार आप तो लोनावला जाते ही हो, तो इस बार गाड़ेश्वर डैम को भी विज़िट कर देना, बहुत मज़ा आएगा। और कुछ दिन बाद एक और वीडियो में लाने वाला हूँ, तो वो भी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं उसी वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।